स्टूडेंट्स टूडे आर टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज इन यूज ऑन पेज नंबर सिक्स ऑफ सिक्स क्लास सो वील स्टार्ट इट नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब्स वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स इस एम वॉज हैज आर द सिंगर वर्ब्स प्लूरल वर्ब्स होती हैं हैव वर आर वी हैव समेक्ट्स सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं ही शी एट आई वी यू दे दे सो फर्स्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही शी एट आई ये कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एक आदमी की बात होती है ठीक है जहाँ पर एक पर्सन की बात होती है दे आर द सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात होती है दो या दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन्स की बात होती है दे आर प्लूरल लाइक वी हम यू यू आप ज्यादा हो सकते हैं दे सो विल डिस्कस जैसे इज ही इज अ बॉय तो ही क्या है सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे तो सिंगुलर

वह खेल रहे हैं दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लूरल वर्ब सो दिस इज सो इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट जब आपके पास ही शी इट या फिर किसी का नेम दिया हुआ है जैसे कि रीमा इज अ डॉक्टर रीमा डॉक्टर है सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है एक परसन की बात हो रही है या फिर मोर देन वन पर्सेंस की बात हो रही है बट इनकेस वैन वी हैव कंपाउंड सिंटेंसेस जब हमारे पास कंपाउंड सिंटेंसेज होते हैं लेट्स डिस्कस वट काइंडटेंसेज आर कंपाउंड सेंटेंसेस वैन वी हैव द कंपाउंड सब्जेक्ट्स जय एंड जूलिया वी हैव टू सब्जेक्ट्स either jay or julia jay as well as julia see these are not simple these are compound sentences so we have some rules we have seven rules for this and we will start from the first rule of subject verb agreement that how to use verb with a subject so let's start with the first rule we use plural verb

बेस्ट फ्रेंड्स हैं राम एंड श्याम दो पर्सनस की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स सो दीज आर टू पर्सनैलिटीज टू पर्सनस इंडिविजुअल पर्सन दोनों की बात हो रही है बट वैन टू नाउंस एंड प्रोनाउंस आर कॉम्प्लीमेंट्री दे टेक सिंगुलर वर्ब अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि दो नाउन और प्रोनाउन जब एंड के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर करते हैं बट कौन से केस में जब हमारे ये दोनों जो नाउन या फिर प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से मिलकर एक ही सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट बनाते हैं ठीक है दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री तो हम सिंगल वर्ब यूज़ करते हैं कैसे राजमा एंड राइस डैश माई फेवरेट डिश राजमा राइस मेरी फेवरेट डिश थी अब आप कहोगे राजमा और राइस नो राजमा राइस दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डिश पहले हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है राजमा राइस वॉज माई फेवरेट डिश राजमा राइस है जो वो मेरी फेवरेट डिश थी दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट ओनली वन डिश राजमा राइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राजमा भी और राइस भी आई हैव नॉट रिटन रिटन आई जस्ट रोट राजमा एंड राइस दैट means ओनली वन डिश here. द next example horse हॉर्स एंड dash डैश रेयरली सीन नाउ हॉर्स घोड़ा carriage जो सामान उठाने के लिए हॉर्स के साथ use होता है जिसे बग्घी बोलते हैं दैट means घोड़ा गाड़ी ठीक है यहाँ पे ये दोनों अलग नहीं है दिस इज अ वन सब्जेक्ट हेयर हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं हॉर्स एंड कैरेज दैट मीन्स घोड़ा गाड़ी आजकल कम ही देखने को मिलता है घोड़ा गाड़ी इज सिंगल सब्जेक्ट सो वी यूज इज हॉर्स एंड कैरेज इज रेयरली सीन नाउ सो मूविंग टू द नेक्स्ट रूल वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब वेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स आर कनेक्टेड बाई और और नॉर जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को और या फिर नॉर के साथ लिखा जाता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं सी वी हैव वन एग्जाम्पल हियर माई मदर और माई फादर कमिंग टू स्कूल टुडे माई मदर और माई फादर डैश कमिंग टू स्कूल टुडे या तो मेरी मदर आ रही है या मेरे फादर और का मतलब ऑप्शनल है ठीक है तो एक की ही बात हो रही है सो so, जब और या फिर नॉर यूज़ होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं माई फादर और माई मदर इज़ कमिंग टू स्कूल टुडे सी मूविंग टू द नेक्स्ट रूल रूल नंबर थ्री वैन बूथ द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई आर और नाइदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब एग्रेज विद द सब्जेक्ट विच इज़ नियर नियरर टू द वर्ब सी वर्ब हमने लगाना है खुद से हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर वर्ब आ रहा है उसके नियर जो भी हमारा सेंटेंस है जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने अपना वर्ब चूज़ करना है जब हमारे पास आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन हो सी लेट्स हैव सम एग्जांपल्स आइदर आई और ही डैश प्लेइंग स्टूडेंट्स मैंने अभी कहा कि अगर आइदर और की कंडीशन हो तो जो वर्ब है वो उस हिसाब से लगता है जो वर्ब के साथ का सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट है ही ठीक है और हमारे पास जो चॉइस है इज एम आर तो हम क्या लगाएंगे ही के साथ क्या लगाते हैं इज बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब आइदर आई और ही इज प्लेइंग सी सेम सेंटेंस है आइदर ही और आई अब इसको चेंज कर दिया क्यों ये देखने के लिए जो हमारी वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे आई आई के साथ क्या यूज करते हैं एम सो इज इट क्लियर नाउ आइदर आए और ही जैसे ही वर्ब के पास है जो वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब चूज करते हैं इनकेस ऑफ आइडर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल नाइदर ही नॉर दे डैश टू गो ना तो उससे ना उन्हें जाना पड़ेगा सो वी हैव टू चॉइसिस हैज़ एंड हैव नाउ अभी मैंने बताया नाइदर नॉर की कंडीशन में भी हम इसको देख के अपने आंसर सिलेक्ट करते हैं तो दे के साथ हैज़ आएगा या हैव दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट हमने पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है सो हैव इज़ अ प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब दे हैव नाइदर ही नॉर दे हैव टू गो नाओ नाइदर दे नोर ही अब हमारे पास जो वर्ब के साथ सब्जेक्ट है वो ही है दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ क्या आएगा हैज याव हैज हैज इज आर सिंगुलर वर्ब नाइदर दे नॉर ही हैज टू गो ना तो उस उन्हें जाना पड़ेगा ना तो उसे जाना पड़ेगा सो so, We have discussed the three rules of subject verb agreement. We are left with four rules. So, uh, students, in my next video, we will study about the rest of the rules. Thank you. Have a wonderful day.